कंफर्म हुई काशी महाकाल में सीट, तो बौखलाए ओवैसी ने किया शिव विरोधी ट्वीट। ओवैसी को शिव भक्तों ने दिया करारा जवाब, क्या हम ला इलाह इल्लल्लाह कहें जनाब। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रविवार को वाराणसी से इंदौर को जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की, जो 3 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कराएगी। इसमें मोदी सरकार ने कोच B5 की 64 नंबर वाली सीट भगवान शिव के लिए आरक्षित कराई है, लेकिन AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी को इससे चिढ़ होने लगी है। इसीलिए उन्होंने पीएम मोदी को संविधान में दिए सेक्युलर शब्द की याद दिलाते हुए भोलेनाथ को मिली सीट का विरोध किया। अगर आप भोले बाबा का विरोध करेंगे तो भोले भक्त कैसे चुप रहते। उन्होंने भी मस्जिद, शाहीन बाग जैसे मुद्दे उठाकर उन्हें करारा जवाब दिया है। तो संसद में अभी अभी जब जिस संसद में वो बैठे थे, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी और तमाम सांसदों ने दिखाया प्रस्तावना का, एक एक फोटो दिखाया। उसमें भगवान शंकर का फोटो है, उसके एक पृष्ठ पे भगवान राम, जानकी और उनके पूरे परिवार का फोटो है। और यह संस्कृति, यह परंपरा, यहाँ की सभ्यता, भगवान राम ने खुद शिवलिंग की पूजा की और अयोध्या से निकले और रामेश्वरम तक पहुँचे। मैंने पूरा देश को एक करने का काम हमारे आदर्श महापुरुषों ने किया है, सभी जातियों को भी समेटने का काम हमारे आदर्शों ने किया है। उसमें तुम आ गए है ना, फिर हमने अपने सीने में जगह दी, अब तुमको जलन हो रहा है। कहाँ संविधान के सबको, सभी धर्म में तो हिंदू नहीं है उस धर्म में आता है। जब सभी धर्मों की मान्यता है तो प्रधानमंत्री अगर ये बहुसंख्यक लोगों को एक छोटा सा सम्मान कर देता है तो तुमको चिढ़ हो रही है। किस बात की चिढ़ है भाई, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए कि वो तुम बैठ के यहाँ धरना प्रदर्शन करोगे और सुनाओगे पूरे देश को तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वही करें हम अपने आप आदर्शों को ना माने, हमारे जो पूर्वज हैं उनकी पूजा पाठ भी ना करें। अगर ट्रेन में भगवान शिव का लिंग बन गया तो इसमें क्या दोष है यार। वह लिंग पूरे विश्व, पूरे ब्रह्मांड को संबोधित करता है, जानते तो कुछ हो नहीं चूंकि तुम। तो अब क्या कहूँ, एक धर्म है जिसमें यह बताया जाता है कि जमीन चिपटी है और उसको रोकने के लिए पहाड़ रख दिया ऊपर वाला, अब उसी धर्म के मानने वाले लोग क्या समझेंगे, दिक्कत यहाँ है। और वैसे क्या कहना चाहेंगे अपने समुदाय को इस तरीके से भड़काने के? अरे बिल्कुल, अभी परसों में उसका वो देख रहा था, क्या बोलते हैं, स्पीच, वह किस तरह से भड़का रहे हैं इस देश में। इस देश के विकास से चिढ़ है भाई साहब, नहीं तो शाहीन बाग में बैठे हुए हैं। एक छोटा सा देश है जापान, जापान में आंदोलन करने के लिए जानते हैं क्या किया जाता है उनको। अगर आप कोई किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको जूता बना रहे हैं तो एक पैर का जूता बनाते रहेंगे लगातार, लेकिन देश का प्रोडक्शन कम नहीं करते हैं। इसीलिए मोदी जी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। चाइना के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण क्या रहा, उग्र राष्ट्रवाद। वहाँ अगर 8 घंटा आदमी काम करता है तो वह नहीं सोचता है कि मैं काम कर रहा हूँ, वह यह सोचता है मैं देश के लिए काम कर रहा हूँ। जिस दिन हर नागरिक यह सोचने लगेगा कि मेरा 5 मिनट अगर है तो वह देश के लिए है, तो यह देश दुनिया जो पहले सोने की चिड़िया थी वह फिर सोने की चिड़िया बनेगी। कोई धर्म निरपेक्ष नहीं है, जब किसी धार्मिक उत्सव चलाए जा रही है तो धार्मिक, हम अपने घर में पूजा कराते हैं तो गणेश जी को पहला स्थान देते हैं, उनमें दे दी सीट तो कोई बुरा नहीं किया। ओबीसी का तो ट्वीट करना ही बेकार है, वो आदमी नहीं है, वो हमेशा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करता है। क्या कहना चाहते, दंगा भड़कता और कुछ नहीं है, जिससे NRC में भड़क रहा, दंगा भड़का दिया इन्होंने शाइन बाग में, कहीं को भेज रहे हो राजू को। ये पहली दफा होगा हिंदुस्तान के अंदर या गुरुद्वारे से आदमी निकलता है वो बस नहीं फूकता, इनकी मस्जिद से निकलता है आदमी वो बस फूकता है, टैर फूकता है, तोड़ फोड़ करता है। हमारे किसी हिंदू धर्म का कोई भी आदमी मंदिर से निकल के, गुरुद्वारे से निकल के, चर्च से निकल के कोई दंगा फसाद नहीं करता। ओबीसी तो जी हमेशा ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा, वो सोच रहा है कि तुम मुसलमानों को अपनी तरफ करके मुसलमानों का नेता बन जा। भाइयों और बहनों, देश भर में आस्था और आध्यात्म से जुड़े तमाम बड़े केंद्रों को विकसित करने के साथ साथ श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाजनक भी बनाया जा रहा है। खास तौर पर इन स्थानों में निरंतर कनेक्टिविटी श्रद्धालुओं को मिले इसके लिए काम किया जा रहा है।
इसी कड़ी में आज बाबा विश्वनाथ की नगरी को ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर से जोड़ने वाली काशी महाकाल एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई गई है। अब काशी में बाबा के दर्शन के बाद उज्जैन में महाकाल के दर्शन कर पाएंगे और इसी ट्रेन से आगे बढ़ते हुए इंदौर में ओमकारेश्वर में भी श्रद्धा सुमन अर्पित कर पाएंगे। यही नहीं, ये रेल सेवा प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बीना, संत हरिदाराम जैसे धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों को भी जोड़ेगी। ये महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा के भक्तों को एक विशेष उपहार की तरह है।